जो आप देख रहे हो ये बाली नहीं है, इट इज गोवा। सो नकी, वेयर आर वी गोइंग टुडे? बीच एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, तो आज हम जाएंगे बहुत सारे बीच एक्सप्लोर करने के लिए, जितना हो सके उतना करेंगे। और हमारे साथ है नकी, आज आने वाले हैं भाई हमारे। yes. और एक हमारे पार्टनर है जो जिनको आपने देखा होगा कल वीडियो में, शायद नहीं पता, या तो उनके साथ जाएंगे और जितना हो सके उतने बीचेस घूमेंगे हम लोग। yes. और वहाँ पे ड्रोन उड़ा सकेंगे, इफ परमिशन मिलेगी हमको तो हम ड्रोन भी उड़ाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। yeah! साउथ गोवा मतलब गो करना, बस मुझे इतना ही पता था। बट दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लोर सम ऑफबीट प्लेसेस इन साउथ गोवा, जिनके बारे में लोग जानते तो हैं बट काफ़ी कम लोगों को पता है। अपनी पार्टीज एंड नाइट लाइफ के लिए तो फेमस है ही, बट मेरा काम यह है कि आपको कुछ ऐसी प्लेसेस दिखाऊं जिनको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हैं। खुद ही देखो, वाओ ब्यूटीफुल, वू हाउ पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है यहाँ पे। इट्स अनरियल, अनएक्सप्लोर्ड है ये, बहुत ही कम लोगों को पता है इस प्लेस के बारे में। कोला बीच साउथ गोवा का मोस्ट ब्यूटीफुल हिडन बीच है एंड ये पाम ट्रीज और हिली एरिया से हिडन है। ये पूरा गोल्डन सैंड बीच है जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरली फॉर्म्ड लैगून, जो कि प्योर स्वीट वाटर से फॉर्म हुआ है, जिसमें आप कायाकिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हम लोग कायाकिंग कर रहे हैं कोला बीच पे एंड इट्स अनरियल, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और नकी कैसा लग रहा है? थोड़ा सा भाई थोड़ा डरा हुआ है एंड अमेजिंग। वाओ ओ गॉड, our second destination Agonda beach, Agonda beach, yeah uska naam Agonda beach hai is beach ka naam, and ye south goa ka one of the cleanest beach hai। hamare resort se ye 34 km dur hai and main aapko iska view dikhata hu kitna clean hai। aur yahan pe hai na aaltu faltu ka crowd hi nahi aata, zyada tar yahan par hai na foreigners hi stay karte hai aur wo रिस्पेक्ट करते हैं नेचर को, इसलिए यहाँ पर है ना बिल्कुल भी डर्टीनेस गंदगी नहीं है, आप खुद ही देखो। और वहाँ पर है ना सब रूम स्टेज बनाए गए हैं, अगर आपको वहाँ पर रहना है ना, मेरे पीछे देख रहे हो तो वो रेंट पर मिलती है प्रॉपर्टी होम स्टेज, और आप वहाँ से बालकनी में से सीधा सी व्यू देख सकते हो एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बीच है। नकी हाउ यू फीलिंग? गार्डन गार्डन हो गया भाई।
Ogunda Beach is 3 kilometer long and is full of white sand. यहाँ पर आप टेंट लेकर कैंपिंग कर सकते हो और ये बेस्ट बीच है फॉर सर्फिंग. इस बीच को मोस्ट साइलेंट बीच ऑफ गोवा भी कहते हैं. Our next location is Kakolem Beach, जो एक paradise से कम नहीं है. ये place बहुत ही less crowded है और famous है उसके cliff views के लिए. यहाँ पर जाने के लिए आपको trekking करना पड़ेगा और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर एक waterfall भी है और इस beach को tiger beach भी बोला जाता है. या तो अभी हम हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं एंड ये बीच का नाम है काबो दे रामा बीच. और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा बाली में बैठा हूँ. आप सिर्फ ये चेक करो. अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल. आई कांट एक्सप्रेस दिस प्लेस इन वर्ड्स. ये बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग प्लेस है एंड आई एम जस्ट लॉस्ट हियर. वाओ, ब्यूटीफुल. Cabo de Rama Beach is most beautiful wild beach in South Goa. Locals consider the beach to be one of the most beautiful place in entire country. Cabo de Rama Beach is famous for its sunsets and ye Ogunda Beach se 19 km ke distance pe hai and it is also my personal favorite beach. एंड या तो हम हमारे घर आ चुके हैं एंड वी वर सो टायर्ड, इसलिए हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया. तो ना कि कैसी थी ट्रिप, कैसा लगा? मजा आ गया. आपको भी एक बार जाना चाहिए. बाइक का रिव्यू आपने सुनी लिया, सच में आपको एक बार जाना चाहिए. और उम्मीद करता हूँ आप सबको भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. तो ये ट्रिप यहीं पर ख़त्म होती है और साथ में ये वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस.